नमस्कार दोस्तों, जय निटिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस तरीके की मंकी कैप लेके आई हूँ, और ये मंकी कैप 10 से 10-11 साल तक के बच्चों को आराम से आ जाती है। आज मैं आपको इसको किस तरीके से बनाएंगे उसके बारे में बताऊंगी। और ये मैंने 10-11 साल तक के बच्चे के लिए बनाई है, लेकिन अब मैं इसे छोटे 4-5 साल तक के बच्चे के लिए आपको इसको किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी निडल्स को आगे कर लेंगे, और हम इसमें टोटल 100 फंदे इसमें डालेंगे। तो हमने ये ये 50 निडल्स आगे को कर ली हैं। अब मैं इसमें बॉर्डर बनाऊंगी। देखिए दोस्तों, कैरेज के डायल को मैंने 8 नंबर पे सेट कर लिया है। पहले एक लाइन हम इसमें से लगा लेंगे और अपना वेट और हुक को इसमें सेट कर लेंगे। तरीके से वेटर हुड हुक लटका लेंगे। देखिए दोस्तों, अब मैं सभी निडल्स को आगे को कर लेती हूँ, और पहले 20 लाइन हम इसमें बना लेंगे। यहाँ पे एक निडल पीछे रहेगी दोस्तों, इसको हम इस तरीके से ऊपर को उठा लेंगे। और ये देखिए, 2 लाइन मेरी हो चुकी हैं, और 20 20 लाइन में और बना सॉरी 18 लाइन और बना लेती हूँ, टोटल 20। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने 20 लाइन लगा ली हैं। अब मैं जो है अपनी जो ये मैंने 20 लाइन बनाई हैं इसकी पट्टी, इसको डबल कर लूँगी। इसको हम डबल कर लेंगे। इस तरीके से एक निडल छोड़ के दूसरे निडल में हम इस तरीके से सभी फंदों को डाल लेंगे। इस तरीके से देखिए, इनको हम एक एक निडल छोड़ के सभी निडल्स में डाल देते हैं, फिर मैं आपको आगे को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने सभी निडल्स में फंदों को डाल दिया है एक निडल छोड़कर। अब हम अपने इसमें रॉड डाल लेंगे और सारे बीट्स हम इसमें फिर से लटका लेंगे इस तरीके से, और निडल्स को पीछे को कर लेते हैं। देखिए, अब मैं इसमें प्लेन प्लेन करीब 30 लाइंस बना लूँगी। तो पहले मैं इसमें प्लेन प्लेन 30 लाइंस बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे को बताती हूँ कि इसको किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, मैंने 4 लाइन इसमें लगा ली है, इसी तरीके से मैं टोटल 30 लाइन बना लेती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें 30 लाइंस बना दी हैं, 30 लाइन। अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 3 पार्ट्स में। तो मेरे इसमें 100 फंदे हैं, तो हम इनको 33 33 और एक मिडिल में हम इसमें 34 फंदे रख लेंगे। तो पहले मैं इसमें इधर साइड से जो है, पहले इधर साइड से 33 फंदों को आगे को कर लूँगी।
देखिए दोस्तों, मैंने 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर लिया है। ये मैंने इधर के 33 फंदे आगे को कर लिए हैं। और अब मैं जो कैरेज में जो ये वाला बटन है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला बटन है, इसको मैं आगे को कर लूँगी ताकि जो मैंने फंदे ये आगे कर रखी हैं निडल्स, ये हमारी बिन नहीं पाए। और मैं कैरेज के डायल को इधर को ले आती हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अब बीच में हम 34 फंदे ऐसे ही रहने देंगे और इधर साइड से हम 33 फंदे, जो हमारी दूसरी साइड है वहां से भी हम 33 फंदे आगे को कर लेते हैं। ये देखिए 33 नीडल्स मैंने आगे को कर ली हैं और मिडिल में मेरी 34 नीडल्स हैं। अब यहाँ पे 20 लाइन मैं इसको ऐसे ही, जैसे हमने नीचे प्लेन प्लेन बनाई थी उसी तरीके से इधर भी हम इनको 20 लाइन बीन देंगे। 1 लाइन हमारी पहले ही हो चुकी थी, अब हम सेकंड मैंने बना दी है और ऐसे ही अब 18 लाइन और बीन लेते हैं। और वेट को ऊपर को लगाते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, हमारी 20 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसको देखिए, जहाँ से हमने अपने फंदे ये जहाँ से डिवाइड करे थे वहाँ पे से हम इसको डबल करते हुए चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम इसको डबल कर लेंगे। इस तरीके से देखिए, और नीचे से इधर हम वेट लटका लेते हैं। इधर से भी इसी तरीके से देखिए दोस्तों, ऐसे इसको डबल कर लेंगे। ये देखिए उसी के बगल वाले फंदे को हम उठा के इसको डबल कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से सारे फंदे को डबल कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने सभी निडल्स को डबल कर लिया है, सभी फंदों को, और यहाँ नीचे की साइड से मैंने वेट लटका रखा है। अब हम इसको बंद कर लेंगे सभी फंदों को। देखिए ऐसे, पहले हम यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे, फिर इसको भी 2 का 1 करके, फिर इन दोनों को इस तरीके से 1 कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सभी फंदे बंद कर लेंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ तक सारे फंदे बंद कर लेती हूँ, फिर आपको फिर दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, लास्ट में ये मेरा एक ही फंदा बचा हुआ है और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से एक बारी ऊन को निकाल कर यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर कट कर लेंगे थोड़ा लंबा, ताकि हम इसको बाद में सिलेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमारी ये डबल पट्टी बन चुकी है, इस तरीके का नीचे का पोर्शन बन चुका है। अब हम ऊपर का पोर्शन बनाएंगे।
ऊपर का पोर्शन बनाने के लिए देखिए दोस्तों, ये जो हमने 34 नीडल्स पीछे कर रखी हैं, हम इनमें अपने सभी जो हमारे फंदे हैं उनको डबल इस तरीके से देखिए एक नॉट लगा दिया यहाँ पे, और इसमें देखिए इस तरीके से हम इसको दो नीडल्स में डालकर इसको पहली वाली को इस तरीके से बीन लेंगे और ऐसे ही सारे फंदे बना लेंगे। इस तरीके से हम इनको 34 जो हमने नीडल इसमें बंद करी थी उनमें सारे फंदे इस तरीके से बना लेते हैं। इस तरीके से सभी फंदे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, सभी फंदे उठा लिए हैं मैंने, अब हम इनको थोड़ा सा आगे को कर लेंगे, इसको ज़्यादा आगे को नहीं करेंगे नहीं तो ये बिन नहीं पाएगा। और इसमें भी हम 20 लाइन लगा लेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा आगे वो कर लेते हैं फिर से। यहाँ पर हम अपने वेट और हुक को फिर से लगा लेंगे। मिडिल में एक वेट लटका लेते हैं और ये देखिए ऐसे ही 25 बना लेंगे। देखिए हमारी 20 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं और इसको भी हम डबल कर लेंगे। इस तरीके से ऐसे ही हम सारी नीडल्स को डबल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इस पट्टी डबल कर ली है, अब इसको भी मैं एक बारी ऐसे ही बीन लेती। अब यहाँ पे हम अपने धागे को फिर से कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे धागे को कट कर लिया है और अब हम इन नीडल्स को भी आगे को कर लेंगे और कैरेज को इधर साइड ले जाते हैं। अब हमने इधर के जो 33 नीडल्स हैं इनको बिनना है, तो हम इनको पीछे को कर लेंगे थोड़ा सा और सिर्फ इनको ही हम फिर से 20 बार प्लेन प्लेन बिन लेंगे। देखिए अभी हमने मिडिल की बिनी थी, अब हमने मिडिल के आगे को कर लिया, अब हम इस साइड की बिन लेंगे, तो हमने इनको थोड़ा सा पीछे को कर लिया, तो 20 लाइन हम इसमें प्लेन प्लेन बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ की भी हमारी 20 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हम इनको भी आगे को कर लेंगे और यहाँ पर भी हम अपना धागे को
कट कर लेंगे इस तरीके से और इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने मिडिल के बनाए, फिर इस साइड बनाए, अब हमने इस साइड से, सॉरी दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब हमने इस साइड के बनाने हैं। तो यहाँ से हम अपने धागे को जॉइंट कर लेंगे, लेकिन पहले हम कैरेज को इस साइड ले आते हैं। इस साइड हम अपने कैरेज को ले आए हैं और यहाँ से हम अपना धागा जोड़ेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारी जो 33 नीडल्स हमारी इस साइड की हैं, हम इनको पीछे को कर लेंगे और ऐसे ही जैसे हमने 20 लाइन इस साइड बनाई थी, ऐसे ही हम 20 लाइन इस साइड भी बना लेते हैं। देखिए अब हमारी 20 लाइंस इस साइड भी कंप्लीट हो चुकी है और इस साइड भी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, अब हमने क्या करना है, जो हमने कैरेज का बटन आगे को पुश करा हुआ था, इसको हम पीछे को कर लेंगे और अब सभी नीडल्स को हम इकट्ठा बीन लेंगे। अब इसके ऊपर को हम 50 लाइन यानी कि 50 लाइन और बीन लेते हैं। इस तरीके से ये देखिए, हमारा ये यहाँ पर जॉइंट हो चुका है और अब हम 50 लाइन और बना लेंगे और यहाँ पे अपना जो हमारा धागा वह है, इसको बांध लेते हैं। देखिए इसी तरीके से 50 लाइन बीन लेती हूँ। पहले मैं 50 लाइन बीन लेती हूँ, फिर आपको आगे को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरी 50 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक फंदा छोड़कर जो दूसरा फंदा है उसको हम डबल कर लेंगे। देखिए, ये फर्स्ट वाला हमने इस तरीके से डबल कर लिया है। अब इस नीडल को निकाल कर इसमें दूसरे वाले में डाल लेंगे, यानी कि हमने एक एक नीडल का इसमें गैप कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से सभी नीडल्स में हम गैप कर लेते हैं। मैं सभी नीडल्स में पूरा गैप कर लेती हूँ, फिर आपको आगे को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने सभी नीडल्स को डबल कर लिया है। अब इसमें हम 6 लाइन और लगा लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे हम अपने धागे को कट कर लेंगे और इसको हम जो हमारी सिलाई करने वाली नीडल्स ये सुई है, इसमें हम धागे को डाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से धागे को डाल लेते हैं और कैरेज से भी धागे को निकाल लेंगे और इस तरीके से हम सभी फंदों को बंद कर लेंगे। देखिए, ये इस तरीके से सभी को इस धागे में बंद कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से इसको बंद कर लेते हैं सभी को और यहाँ पे से हम अपने फंदे निकालते हुए चले जाएंगे। इसी तरीके से सभी फंदों को मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको आगे को बताती हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने सभी फंदों को सुई में निकाल लिया है और इनको हम इस तरीके से यहाँ पर इसमें गांठ बांधेंगे। इसे खींचते हुए हम इसको यहाँ पर गांठ बांध देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा बंद हो चुका है। और देखिए दोस्तों, अब हम इसको यहाँ पे से यहाँ तक पूरा सिल लेंगे।
नीचे तक पूरा ही इसको सिल लेते हैं। पहले मैं आपको इसको यहाँ से यहाँ तक सिल लेती हूँ, फिर इसके इसको इस आगे को इसको क्या करना है उसके बारे में फिर बताती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक सिल लिया है। अब हमने इसके याले पार्ट को, जो आगे का हमने पोर्शन बना रखा है, इसको सिलना है। तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको देखिए, इन दो जो पट्टियों को है, हम इसके किनारों को इस तरीके से इधर साइड से भी और इधर साइड से भी हम इनके किनारों को इन किनारे से ऐसे आपस में जॉइन करते हुए ऐसे सिल लेंगे। इस तरीके से देखिए, ये जो हमारा धागा है इसी में ही हम अपनी नीडल फिट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये दोनों को ऐसे आपस में जॉइन करते हुए ऐसे हम दोनों साइड से सिल लेंगे। देखिए पहले इस साइड से सिल लेते हैं। इस तरीके से नीचे के पोर्शन को भी ऊपर को ऐसे सिलेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे हम अपने धागे को आपस में, ये हमारा वेस्ट धागा है, इसको हम आपस में ऐसे गांठ लगा लेंगे और बाकी वेस्ट धागे को यहाँ पे कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम इस साइड से भी ऐसे ही सिल लेंगे। तो मैं इसको सिल लेती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसको दोनों साइड से सिल लिया है और अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए इस तरीके से हमारी मंकी कैप बनकर रेडी हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगली नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।